लखनऊ दूरदर्शन केंद्र प्रदेश के दर्शकों के बहुत करीब है। वो उनके लिए अपनी संस्कृति और सामयिक कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। अब विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दूरदर्शन ने सामने रखा है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े और मजबूत लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लोकतंत्र को शक्ति मिलती है उसके जागरूक मतदाताओं से। इसे रेखांकित करने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने पिछले 5 महीनों से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। बच्चों, युवा, महिलाओं और ग्रामीणों में अधिक से अधिक मतदान की इच्छा बढ़े, वे आगे आएं और अपने अलावा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, इसके लिए दूरदर्शन ने बहुत सारे कार्यक्रम दर्शकों को दिखाए। जन प्रसारण की भूमिका का निर्वाह करते हुए हमने निर्वाचन प्रणाली से आम मतदाता को अवगत कराने का प्रयास किया। वोटर पार्टिसिपेशन नीड्स टू इंक्रीज पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक परसेप्शन, इन स्पाइट ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, द रूरल वोटर्स पार्टिसिपेटेड लार्ज नंबर्स। इट इज द सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट हु आर वेरी इंडिफरेंट टू द इलेक्शन प्रोसेस। हमारे कार्यक्रमों का अपेक्षित परिणाम सामने तब आया जब एक मतदाता ने बताया कि उन्हें इससे कितना लाभ पहुंचा है। टीवी पर हमने देखा था, आज के छह दिन पहले देखा था कि हर सेंटर पर बन रहा है, आप जहां भी बनवाना चाहते हैं, आपका बालक 18 साल का हो गया तो आप बनवा लीजिए। किस चैनल पर? ये दूरदर्शन पर ही मैंने देखा था। सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई उन युवा मतदाताओं को जागरूक बनाने की जो पहली बार वोट डालेंगे। उन्हें मतदान की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने मॉक पोल का प्रसारण किया, जिसे खासी लोकप्रियता मिली। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है, इसलिए लखनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ध्यान दें, अमित कुमार मिश्र को मोबाइल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। नगेंद्र सिंह को पेन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। प्रदीप कुमार यादव को मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। मतदाताओं के मन में मतदाता बनने और उससे संबंधित अनेक शंकाएं होती हैं, जिनके समाधान के लिए वो कहां जाएं, किससे बात करें, उनको नहीं मालूम होता। दर्शकों की सीधी बातचीत चुनाव आयोग से हो सके, वे अपनी जिज्ञासाएं वरिष्ठ अधिकारियों से सुलझा सकें, इसके सटीक प्रयत्न आवाम की आवाज कार्यक्रम में किए गए। 10 साल हमको रहते हो गए लखनऊ में और हमारा अपना मकान नहीं है, इसलिए हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो हम अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़वाएं? आप अपने जो सबसे पास में पोलिंग बूथ है वहां आप जा सकते हैं, या आप पास में जो भी तहसील है उसके मतदाता पंजीकरण केंद्र पे चले जाइए। आपको अपना जहां भी रहते हैं वहां पे, किराए के मकान में भी रहते होंगे तो आपका अपना कोई बिजली कनेक्शन होगा, गैस का कनेक्शन होगा, कोई आपके पास चिट्ठियां आती होंगी, आपके पास टेलीफोन का कनेक्शन, मतलब यहां तक कि चिट्ठियां भी अगर आती हैं तो उसे एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। दूरदर्शन लखनऊ के लगभग 500 कल्याणी हेल्थ क्लब हैं। यूं तो इसमें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन चुनाव और मतदान की जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री का वितरण भी इन कल्याणी क्लब के माध्यम से कराया गया। ये क्लब ग्रामीणों में लगातार मतदाता जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। युवा जगत कार्यक्रम में तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की और भी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतदाता के संबंध में युवाओं को कौन कौन से संविधान अधिकार प्राप्त है। युवा जो है वो 18 साल का जब आयु प्राप्त कर लेता है तो वो मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के आधार पर वो अपना फोटो पहचान पत्र बनवा सकता है और चुनाव में खड़ा हो सकता है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बीच में मतदान से संबंधित छोटे छोटे प्रचार स्पॉट भी तैयार किए गए, जिनके माध्यम से हम आम मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकार की बराबर याद दिला रहे हैं। क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, फिर तो आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार, हर बार अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए आप चुनाव में वोट देना ना भूलें। समाचार बुलेटिनों में तो इस विषय में लगातार प्रसारण किया ही जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए गीत संगीत को भी माध्यम बनाया।
जनमत के हैं निर्माता, हम जनमत के हैं निर्माता, हम भारत के भाग्य विधाता। हमने वोट के महत्व को रेखांकित करने के लिए पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ परिचर्चाओं के भी प्रसारण किए। लोग इलेक्शन हॉलिडे को एक हॉलिडे मान के चलते हैं, उनको समझना चाहिए ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बर्थडे ऑफ डेमोक्रेसी है, उनको उसको हॉलिडे की तरह नहीं देखना है। मतदाता जागरूकता संबंधी इन कार्यक्रमों के प्रसारण और निर्वाचन आयोग के भगीरथ प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 1,38,00,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हमारे चिट्ठी चित्रहार कार्यक्रम में लाभान्वित हुए एक मतदाता का ये पत्र इसका प्रमाण है। जी के पत्र के साथ जो कि रहने वाले हैं कानपुर के, ये लिखते हैं कि आजकल हर तरफ चुनावी हलचल है, मतदाता जागरूकता रैलियां निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि हम मतदाताओं द्वारा ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। आगे ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पहल के माध्यम से हमें मतदाता पहचान पत्र बनवाने में काफ़ी सहायता मिली तथा वोट का क्या महत्व है इस विषय पर भी हमें काफ़ी जानकारियाँ तो मिली ही, साथ ही साथ मतदाताओं की कई शंकाओं का भी समाधान हुआ। ये बहुत बड़ा एक महायज्ञ है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। केवल भाग एक उत्सव नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी के मायने को बदलने का एक तरीका है और एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र लाने का तरीका है। चुनाव आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने अपने लखनऊ प्रवास के दौरान इस कार्यक्रमों को देखा और संतोष प्रकट किया। वेरी वेरी वेल डन, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड डेफिनेटली गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ लार्ज गैदरिंग्स। I do not know if it is the magic of camera or a magic of actual work, but it gives because generally matters like this, because it's not any entertainment, any magic or any food stall or something, but people's enthusiasm is very clear. राजनीतिक दलों का 720 मिनट का चुनावी प्रसारण, सभी दलों की परिचर्चाएं और चर्चाओं का प्रसारण हमारे आगामी आकर्षण होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आगामी 25 जनवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन लखनऊ द्वारा शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जाएगा।